अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। तो अच्छी अच्छी नियतों के साथ साथ ये दुआ अपने लिए भी कर लें, इसे सुकून से सुने और साथ में दिल में आमीन भी कहें। हो सके तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि दूसरों के आमीन कहने से क्या पता आपकी दुआ भी कबूल हो जाए। आप सब से रिक्वेस्ट है कि दुआ को सुनने से पहले कम अज़ कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लें। ऐ अल्लाह, हमें इस साल रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा और हम सबको रमज़ान का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ हाजत रवा मुश्किल कुशा, दुआओं को सुनने वाले रब्बुल इज़्ज़त, सारी कायनात के शहंशाह, पैगंबरों के मालिक, बादशाहों के बादशाह, ऐ हाजत रवा, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, पहाड़ों और समंदर के मालिक, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले, ऐ बीमारों को शफा देने वाले, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बनते हैं, हम तेरे खताकार बनते हैं, हम तेरे आजिज़ बनते, तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। तू हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, इस आने वाले रहमत के महीने में हमारी तमाम अगले पिछले सवीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। जो लोग इस दुनिया से वफात पा चुके हैं, महरूम हो गए हैं, उनकी तमाम गुनाहों को बख्श से, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा। ऐ मेरी मौला, हम साहिर में बंदे हैं लेकिन हकीकत में नहायत गंदे हैं। अल्लाह, हमारी मन की गंदगियों को दूर फरमा, दिलों की ज़रूरतों को दूर फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा, हमें ज़िल्लत से महफूज रख, महफूज फरमा। अल्लाह, हमें तकवा और परहेज़कारी वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन।